जय हिंद गाइस, कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं लक्की आप लोगों का अपने YouTube चैनल पे एक बार फिर से स्वागत करती हूँ। दोस्तों, एक कमेंट आया था कि बिहार पुलिस के कांस्टेबल के रिटर्न एग्ज़ाम का तैयारी करते करते CGL निकल गया, लेकिन बिहार पुलिस के कांस्टेबल का रिटर्न एग्ज़ाम नहीं निकला। और भी बहुत सारे कमेंट आ रहे थे कि बुक्स को लेके वीडियो बनाइए, आपने कौन सा बुक पढ़ा था और कौन से बुक बेस्ट रहेंगे बिहार पुलिस कांस्टेबल के रिटर्न एग्ज़ाम को लेके, और कौन से राइटर का बुक पढ़े, और किस बुक से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और ये कितने नंबर का क्वेश्चंस, किस सब्जेक्ट से कितने नंबर के क्वेश्चंस आते हैं। तो बहुत सारे कमेंट आ रहे थे, तो मैंने सोचा कि एक वीडियो बनाती हूँ। तो दोस्तों, अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर ले, लाइक कमेंट शेयर करें, जिससे कि मैं कोई भी वीडियो डालूँ गवर्नमेंट एग्ज़ाम से रिलेटेड तो आपके पास सबसे पहले पहुँचे, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो दोस्तों, आप मेरे पीछे रैक पे रखी बुक को देख रहे होंगे, बहुत सारे बुक्स रखे हुए हैं वहाँ पे। तो इनमें से सिर्फ एक ही बुक है जो कि बिहार पुलिस के लिए सबसे ही अच्छा और बेस्ट बुक है। वो बुक पढ़ के मैंने एग्ज़ाम क्वालिफाई करा था, और ये बुक बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। और बिहार पुलिस कांस्टेबल के लिए ही नहीं, बिहार में होने वाले जितने भी एग्ज़ाम्स हैं गवर्नमेंट एग्ज़ाम, उसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट बुक्स हैं वो ऊपर में रखा हुआ है। उनमें से सिर्फ एक ही बुक है जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, हम आपको वीडियो में दिखाएंगे आगे। तब तक बात करते हैं कि किस सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो दोस्तों, GK GS से 70 क्वेश्चन लगभग पूछे जाते हैं। जी हाँ दोस्तों, GK GS से लगभग 70 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और उसके बाद पूछे जाते हैं मैथ से लगभग 8 से 10 क्वेश्चन होते हैं मैथ से, और फिर उसके बाद हिंदी से पूछे जाते हैं, और उसके बाद करंट अफेयर भी पूछे जाते हैं। ये बिहार पुलिस कांस्टेबल के रिटर्न एग्ज़ाम में करंट अफेयर भी पूछे जाते हैं, हिंदी और मैथ और GK GS से क्वेश्चंस आते हैं। तो दोस्तों, बात करेंगे कि GK GS के लिए कौन सा बुक पढ़े। तो जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया कि ऊपर में रखा हुआ बुक में से एक बुक है जो सबसे बेस्ट है बिहार पुलिस के रिटर्न एग्ज़ाम को लेके। तो जी हाँ दोस्तों, GK GS के लिए सबसे अच्छा और तगड़ा जो बुक है वो मैं आपको दिखाने वाली हूँ। और जी हाँ दोस्तों, ये रहा सामान्य ज्ञान, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट बुक है बिहार में होने वाले किसी भी एग्ज़ाम के लिए, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये बुक है। आप यही सोच रहे होंगे, अरे ये तो मेरे पास भी है, कौन सा वीडियो में बता दिया, ये तो कोई बात ही नहीं बना। अरे भैया, ऐसा कुछ भी नहीं है, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट, आप मानो या ना मानो, सबसे ज़्यादा क्वेश्चन इसी में से आते हैं। बिहार पुलिस के कांस्टेबल एग्ज़ाम्स में रिटर्न में सबसे ज़्यादा क्वेश्चन इस बुक से आते हैं। तो दोस्तों, लगभग 90% लोग बिहार में किसी भी एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे होंगे, तो वो लूसेंट को ज़रूर पढ़ते होंगे। आपने भी बहुत सारे वीडियो देखे होंगे यूट्यूब पे, मैंने भी बहुत सारे वीडियो देखे, सब में यही बता रहे हैं, दरोगा हो या कांस्टेबल, सब लोग यही बोल रहे हैं कि लूसेंट पढ़े थे, लूसेंट पढ़े थे। 90% लोग लगभग लूसेंट पढ़ के एग्ज़ाम क्वालिफाई करते हैं। अब आप लोगों के मन में ये सवाल आ रहा होगा कि सब लूसेंट पढ़ते हैं लगभग 90%, तो उनको जॉब क्यों नहीं मिल जाता, वो जॉब क्यों नहीं ले लेते, ये भी बात है। तो आज हम आपको बताएंगे कि उन लोग को जॉब क्यों नहीं हो पाता है, और बहुत सारे लोग लूसेंट को पढ़ के कैसे जॉब ले लेते हैं, कैसे क्वालिफाई कर जाते हैं, आखिर किस तरीके से वो लूसेंट पढ़ते हैं, हम आपको बताएंगे। और मैंने किस तरीके से पढ़ा था मैं वो भी बताऊंगी। तो दोस्तों, सबसे पहले हम आपको बताते हैं कि लूसेंट में इतना सारा चीज़ है, एकदम समुद्र भरकर चीज़ रखा, मतलब उसमें समुद्र भरकर सब्जेक्ट है, और बहुत ही सारा चीज़ है। और जिस टॉपिक को आप पढ़ोगे ना, लगेगा कि अरे यही सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, जिस टॉपिक को आप टच करोगे लगेगा कि हाँ सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट यही है। तो लूसेंट को कैसे नॉर्मल तरीके से पढ़ें, और किस तरीके से लूसेंट को पढ़ें, और किस तरीके से लूसेंट को पढ़ते हैं तो सक्सेस मिलती है, हम आपको आज बताएंगे। और तो दोस्तों, आपको बताते हैं कि देखिए, किसी चीज़ को जाना अच्छी बात है, अच्छी बात है किसी भी चीज़ को जानना, लेकिन हाँ, आप अगर लूसेंट में इतना सारा चीज़ है उसको जितना आप रटोगे, रटने से कुछ फ़ायदा नहीं होगा आपको, ना मतलब ज़्यादा जानना ज़रूरी नहीं है, बस वो जानना ज़रूरी है जो कि एग्ज़ाम्स में आते हैं, बस उस टॉपिक को आप पढ़ो जो एग्ज़ाम्स में आते हैं। मैंने कैसे पढ़ा था मैं आपको बताती हूँ, लूसेंट मुझे, जो रियल बात है मैं बताती हूँ आपको, लूसेंट मुझे बहुत ज़्यादा टफ लगता था, दुनिया का सबसे हार्ड बुक, मैथ से भी ज़्यादा हार्ड हमको लूसेंट लगता था। जैसे ही खोलते थे तो एकदम मतलब डर लग जाता था, कैसे पढ़े हैं, कैसे पढ़ते हैं लोग, सब लोग बोलते हैं कि लूसेंट पढ़ो, लूसेंट पढ़ो, कैसे पढ़े इसको, बहुत ज़्यादा टफ लगता था। तो मैंने
किस तरीके से पढ़ा मैं आपको बताती हूँ। और फिर किसी ने मुझे बताया कि जो मेन मेन टॉपिक है पहले उसको क्लियर करो। तो पहले मैंने क्या किया कि जिस एग्ज़ाम का मैं तैयारी करती थी, मान लो कि बिहार पुलिस के कांस्टेबल का एग्ज़ाम का मैं तैयारी कर रही थी, तो मैंने क्या किया कि जितना भी प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन था ना, मैं यूट्यूब पे गई, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन वाला जितना भी सारा वीडियो था सारा को देख लिया मैंने। और फिर मैंने नोट बनाया कि जो किस सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चंस आ रहे हैं, और जो मेन मेन सब्जेक्ट थे उसको मैंने सबसे पहले अपने पेपर पे नोट डाउन किया। वो मैं आपको दिखा रही हूँ, एक मिनट। जी हाँ दोस्तों, देखिए ये मैंने नोट करा है कि मेन मेन सब्जेक्ट को मैंने नोट कर लिया कि किस सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चंस आते हैं। और फिर मैंने उस सब्जेक्ट को नोट कर लिया और उस सब्जेक्ट पे मैं, उस लेसन पे मैं बहुत ही ज़्यादा फोकस की और पहले उसको मैंने क्लियर कर लिया। जितने भी मैंने नोट करे थे सबसे पहले मैंने उसको क्लियर कर लिया। और फिर उसके बाद जितना भी लेसन बचा था, जो मेन मेन था उसको पहले मैंने क्लियर कर लिया, उसके बाद रिवीजन भी कर लिया, उसका सारा चीज़ एकदम क्लियर हो गया कि हाँ मैं एग्ज़ाम के लिए अब प्रिपेयर हूँ, अब कभी भी एग्ज़ाम दे सकती हूँ। उसके बाद कुछ टाइम बचा तो मैंने जो भी इधर उधर का चैप्टर था, लेसन था, सारा को मैंने क्लियर कर लिया, मेरा लूसेंट ख़त्म हो गया। और मैं आज भी अभी भी लूसेंट पढ़ती हूँ और मुझे अच्छा लगने लगा है। और ऐसा आप लोग भी करें, पहले सारा चीज़ का वीडियो, प्रीवियस वीडियो देखें कि किस सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चन आते हैं, किस लेसन से कितने क्वेश्चन आते हैं, उस लेसन पे फोकस करें, नोट डाउन करके उस पे फोकस करें, पहले वो क्लियर करें, बाद में सारा चीज़ आप रटें। ये तो हो गया जीके जीएस की बात। अब हम बात करेंगे मैथ का क्या करें। तो दोस्तों मैथ के लिए ज़्यादा कुछ नहीं करना है, आर एस अग्रवाल जिंदाबाद। तो मैथ तो बहुत ही नॉर्मल टाइप का पूछा जाता है, मैथ के लिए कोई इशू नहीं है, वो तो आप लोग एकदम नॉर्मल रहता है, आप लोग खुद से बना लेंगे। मैथ के लिए कोई ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, फिर भी 2-3 सेट देख लीजिएगा तो ठीक ही रहेगा, लेकिन मैथ का कोई इशू नहीं रहता है। तो दोस्तों बात करेंगे कि हिंदी के लिए क्या करें। तो हिंदी के लिए व्याकरण का नॉर्मल सा भी, सरल हिंदी व्याकरण करके एक बुक आता है, कोई सा भी बुक आप हिंदी के लिए पढ़ सकते हो। हिंदी के लिए कोई ज़्यादा ये टफ नहीं है, हिंदी बहुत ही नॉर्मल रहता है और विलोम शब्द वगैरह होते हैं तो बहुत ही नॉर्मल रहता है, हिंदी के लिए कोई इशू नहीं है। और जैसे कि हम लोग जानते हैं बचपन से हम लोग हिंदी पढ़ते आ रहे हैं, हिंदी हमारा ऑफिशियल लैंग्वेज है, तो हिंदी तो नॉर्मल सा रहता है, वो आप खुद से भी बना लोगे, कुछ दिक्कत नहीं है। हिंदी तो सब लोग जानती हैं लगभग, हिंदी में कोई इशू नहीं होता, हिंदी के लिए कोई बुक की ज़रूरत भी नहीं होती। वैसे आप लोग देख लेना, ये सरल हिंदी व्याकरण एक बुक है, वो भी चल जाएगा आपको। अब बात करते हैं सबसे इम्पोर्टेंट कि करंट अफेयर के लिए क्या करें। तो दोस्तों करंट अफेयर के लिए मैं क्या करती हूँ, मैं बताती हूँ। सबसे पहले मैं ना कोई वीडियो वगैरह नहीं देखती हूँ यूट्यूब पे, क्योंकि बहुत टाइम लग जाता है, बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है, एकदम पूछो मत, बहुत ज़्यादा। उतना टाइम अगर हम जीके जीएस को देंगे तो हमारे लिए बेनिफिशियल रहेगा, इसलिए आप यूट्यूब पे 1-1.5 घंटे वाला वीडियो करंट अफेयर का ना देखें। आप ना टेलीग्राम पे जाओगे तो कोई सा भी चैनल ये सर्च करोगे ना, डेली करंट अफेयर, तो वो आ जाएगा और वहाँ से आपको डेली का करंट अफेयर मिल जाएगा। मैं वैसे ही करती हूँ, मैंने एक चैनल को सब्सक्राइब कर रखा है और ये चैनल को मैंने ज्वाइन कर रखा है और उस पर डेली का करंट अफेयर आता है, जिसमें से 20 क्वेश्चन होते हैं करंट अफेयर के, और मेरा करंट अफेयर वहाँ से क्लियर हो जाता है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि दरोगा के एग्ज़ाम में भी लगभग 20-22 क्वेश्चन करंट अफेयर के होते हैं, इसलिए मेरा करंट अफेयर मैं वहाँ से ही तैयारी करती हूँ करंट अफेयर का। और कभी कभी फुल पत्ती वाली क्लासेज हैं उसको भी देख लेती हूँ। और फिर ये हो गया करंट अफेयर के लिए। तो दोस्तों और बहुत ही जल्द बिहार पुलिस की न्यू वैकेंसी भी आने वाली है, डायल 112 की भी वैकेंसी आने वाली है, दरोगा की भी वैकेंसी आने वाली है, आरपीएफ की वैकेंसी आने वाली है, दिल्ली कांस्टेबल की वैकेंसी आने वाली है, बहुत सीजीएल की वैकेंसी भी आ चुकी है, बहुत सारी वैकेंसीज है। आप लोग अच्छे से तैयारी करो, अपने सपने को साकार करो और अपने मम्मी पापा के सपने को साकार करो। और जैसा कि मैंने पहले भी बोला था कि पास्ट को भूल के अपने प्रेजेंट और फ्यूचर पे फोकस करो और एक नेक इंसान बनो, और अभी से मेहनत तैयारी कर दो दोस्तों, क्योंकि समय बहुत कम है और बहुत ही जल्द वैकेंसी आने वाली है, और समय का इंतज़ार ना करो और बहुत ही जल्द आप लोग अच्छे से तैयारी करो। और आपके उज्ज्वल भविष्य की ढेर सारी शुभकामनाएँ, और मेरे वीडियो को लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करें। जय हिंद, जय भारत।